आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी में लगने वाले घातक कीट के बारे में, जो पत्ता गोभी को छेद देता है और सारी पत्तियां खा जाता है। ये मुख्यतर डायमंड बैक मौत के कारण होता है। ये एक कीट होता है जो पत्तियों को बहुत तेजी से खाना चालू करता है और ये पत्तियों को पूरा छेद कर देता है और ये पत्तियों के निचले स्तर में जाके अपने अंडे और लार्वे देता है, जिन अंडों से लार्वे पैदा होते हैं और वो दोबारा पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं और ये एक पेड़ से लेके पूरे पेड़ों में फैल जाता है। इसी के बचने का कई सारे उपाय हैं, पर हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि डायमंड बैक मौत रात के समय सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका आक्रमण रात ही के समय होता है, दिन में ये आपको दिखाई नहीं देगा और रात में ही ये अपना आक्रमण करता है। अगर आप इसका रोकथाम जल्दी नहीं कर पाएंगे तो ये आपके सारे पेड़ों को खत्म कर सकता है। इससे बचने का उपाय ये है कि आप जब पत्ता गोभी की फसल लगाएं तो आप दो पत्ता गोभी के बीच में अधिक दूरी रखें। कम से कम आप एक पत्ता गोभी से दो पत्ते गोभी के बीच में 12 सेंटीमीटर का गैप जरूर रखें, जिसके कारण अगर एक पेड़ में डायमंड बैक मौत का अगर आक्रमण होता है तो वो दूसरे पेड़ तक ना पहुँच पाए जल्दी से, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके एक पेड़ में लग गया है तो आप उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसका दूसरा उपाय है स्पाइनो जेड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के आप अपने पत्तों पर छिड़काव करें, इससे भी इसका रोकथाम हो सकता है। इस कार्यक्रम में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।